वेलकम बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो जेई मेंस 2021 का है। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टैन टू एक्स। तो एक्स की इंटरवल दी हुई है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट दीज टू पॉइंट्स, क्योंकि इस पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ टैन ऑफ टू एक्स। तो पहले LHS को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, RHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं अपन। कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ, इसके कॉस एक्स को आप ये लिख सकते हो, और वन प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, ठीक है, इस चीज को ऐसा लिख सकते हो आप। ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा साइन एक्स साइन टू एक्स के फॉर्मूले से। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा और ये आपका साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। अब देखिए कि ये एक इससे कट जाएगा इसके पावर से और रह जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब इस पूरे में कॉस एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वन माइनस टैन एक्स बाई टू अपॉन वन वन प्लस टैन एक्स बाई टू। ये क्या हो जाएगा अगर कॉस एक्स बाई टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो वन माइनस ऑफ टैन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू, ये वाली चीज़ ये बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि ये टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू है, तो ये टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले से यही हो गया। ये तो ये LHS क्या हो गया सिंप्लीफाई होके, दिस इक्वल्स टू क्या बन गया, टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहां से सॉल्व करना आसान है, मैं मिटाता हूं थोड़ा। अब देखिए क्या आ गया है, आ गया है आपका मॉड ऑफ टैन टू एक्स इज इक्वल्स टू टैन ऑफ, यही आ गया है। अब देखिए ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी और ये वाली चीज पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू एक्स के इस इंटरवल में ये इसकी रेंज आ रही है जीरो से पाई बाई टू। आप अगर चेक करोगे पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू इसकी रेंज क्या होगी, जब एक्स आपका क्या रेंज दिया हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो, तो एक एक करके पुट कर लीजिए। जब एक्स माइनस पाई बाई टू हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई फोर माइनस ऑफ माइनस पाई बाई टू और अपॉन टू, यानी यहाँ ये हो गया, ये क्या हो गया पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर यानी पाई बाई टू, और जब एक्स पाई बाई टू पुट करें तब क्या होगा पाई बाई फोर माइनस पाई बाई टू इंटू टू, तो ये हो गया पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर यानी ज़ीरो। तो यानी ये वाली चीज़ की रेंज क्या है, इसकी रेंज आपकी है ज़ीरो से पाई बाई टू। तो टैन ज़ीरो से पाई बाई टू में हमेशा पॉजिटिव होता है, जो एक्स की इंटरवल दी हुई है उसमें ये भी पॉजिटिव ही है, ये दो पॉइंट जो है इसमें भी ये जीरो से पाई बाई टू के बीच में ही आएगा, जिसको एक्सक्लूड किया है उससे उतना लेना देना नहीं है, तो क्या है ये भी पॉजिटिव ही है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर सकते हो, दोनों पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये हो गया टेन स्क्वायर टू एक्स इज इक्व टू टेन स्क्वायर ऑफ फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अगर ये निगेटिव भी होता है इस इंटरवल में तब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते थे, हो सकता था किसी एक्स पे ये थ्री होता और ये माइनस थ्री होता। सपोज़ कीजिए कोई x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे, कोई ख़ास x पे ये वाली की वैल्यू माइनस थ्री होती है ना, RHS की वैल्यू माइनस थ्री होती और LHS की वैल्यू थ्री होती, दोनों को स्क्वायरिंग करते तो नाइन इक्वल्स टू नाइन हो जाता, x नॉट भी एक सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन x नॉट क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये थ्री है और ये माइनस थ्री है, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग आप तभी कर सकते हो जब ये पॉजिटिव हो,
ये निगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मॉड से निकल के पॉजिटिव ही हो जाएगा, लेकिन स्क्वायरिंग आप तभी करते जब ये पॉजिटिव होता। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि आप बिना ये चेक किए हुए स्क्वायरिंग कर लेते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर जो आंसर आता उसको वापस इसमें पुट करते और फिर चेक करते कि वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर उसको एक्सेप्ट करते, और अगर वो निगेटिव आ जाता तो उसको रिजेक्ट कर देते। आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं मिटाता हूँ ये सबको, यहाँ पर तो कोई लोड ही नहीं है, पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। अब इसको आप, आपको फार्मूला पढ़ाया था कि अगर टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाए तो एक्स क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, है ना, यही फार्मूला है। इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो टू एक्स को मैं इधर ले आया हूँ ताकि लिखने में आसान हो जाए। ये हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है? इसमें से दो वैल्यू आएगी x की, एक में ये साइन प्लस लेंगे एक में माइनस लेंगे। तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, जब ये प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस एक्स बाई टू यानी 5x बाई टू, एक में आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ठीक है? ये एक केस है, यहाँ से आपका x आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 2n पाई बाई फाइव प्लस पाई बाई टेन, ठीक है? मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ। और दूसरे से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, है ना, ये प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2n पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है? अब आप n की वैल्यू पुट करोगे विच बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? तो देखिए यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, और x होना है माइनस नब्बे से नब्बे के बीच में। ये 2 पाई बाई फाइव क्या है, ये आपका है 72 डिग्री, ये आपका है 72 प्लस 72 n प्लस 18 डिग्री। तो n इक्वल्स टू एक ज़ीरो पुट कर लो तो पाई बाई टेन यानी 18 आ गया। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 90 हो जाएगा, और माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 की वैल्यू ले सकते हो, माइनस 72 प्लस 18 माइनस 90 से छोटा ही रहेगा, तो यानी माइनस 1 की वैल्यू 1 लेंगे। तो माइनस 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10 यानी माइनस 4 पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 10, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 10, ये दो सॉल्यूशन आएगा। फिर उससे बड़ा वैल्यू पुट करोगे तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा, ये 120n माइनस पाई बाई 6, ये आपका है 120n माइनस 30। तो इसमें n इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करोगे तो एक आएगा माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है? n इक्वल्स टू जैसे ही 1 पुट करोगे 90 नहीं ले पाएंगे, माइनस 1 तो माइनस 150, ये भी रेंज से बाहर है। तो यही तीन सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, जो इस रेंज में है। तो इस तीनों का सम क्या हो जाएगा, माइनस 11 पाई बाई 30। तो ये होगा आंसर ए, ठीक है? तो आसान सा क्वेश्चन था, बस पेशेंटली सब कुछ सॉल्व करना था। दो केस आए थे, दोनों को एक एक करके देख लेना था कि इस रेंज में कौन कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को, और वो ये तीन सॉल्यूशन मिल रहे थे जिसका सम आपका ए होगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।